Yes, good morning students. Today we discuss some results of relation and function chapter. Five questions हम exercise 1.1 के कर चुके थे, introduction video भी कर चुके थे. Introduction पूरे chapter के relations की introduction हम पढ़ चुके थे. आज हम कुछ results पढ़ रहे हैं, बहुत जरूरी हैं. जो इन results में से एक question exam के अंदर आता है, ठीक है? So watch the video carefully. Let me start. First result. Six results हैं. One by one discuss कर रहा हूँ यहाँ पर मैं. पहला result बोल रहा हूँ. If R is an equivalence relation, R is equivalence relation of set A. Set A का एक relation है, वो equivalence है. इक्विवेलेंस भी इंट्रोडक्शन में बताया था बेटे, जो फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होंगे, वही मेरा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. अंडरस्टूड? देन प्रूव दैट आर इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन. गिवन क्वेश्चन में क्या है कि जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है, आपको प्रूव करना है कि जो आर इनवर्स होगा वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. अब यहां पर बात आर इनवर्स की आगे स्टूडेंट्स, तो जो भी रिलेशन होता है हमारा, जो उसके ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसको उल्टे करके लिख देते हैं तो आर इनवर्स बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं रिलेशन आर लिख रहा हूं, कोई भी एग्जाम्पल लिख दिया बेटे मैंने, जैसे ए कोमा बी, सी कोमा डी, E comma F, whatever I have written, तो मुझे इसका R inverse निकालना है. तो inverse में क्या होगा, जो second element है वो first element हो जाएगा और जो first है वो second हो जाएगा. D comma C and F comma E, इसको कहते हैं inverse, inverse of relation है, R inverse, right? इसको कहते हैं R inverse. Now यहाँ पर हमें यही प्रूव करना है कि R जो है वो तो equivalence है, लेकिन R इनवर्स भी मुझे प्रूव करना कि वो भी इक्विवेलेंस होगा. चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या कहते हैं. तो पहले इक्विवेलेंस के लिए कंडीशन के ऊपर से लगाई रिफ्लेक्सिव, कौन सी लगाई है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि मैंने बताया इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन होना जरूरी है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के. रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए बिलोंग्स टू आर, भाई मुझे R इनवर्स को इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो R इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए R इनवर्स का रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है. रिफ्लेक्सिव कंडीशन A कोमा A बिलोंग्स टू R इनवर्स, यानी R इनवर्स के अंदर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए जो इस फॉर्म को शो करता हो, यानी A कोमा A को बिलोंग करता हो. चलिए, सिंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन, R इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R रिफ्लेक्सिव भी होगा. R जब equivalence relation है तो R reflexive भी होगा. R reflexive होगा तो A कोमा A belongs to R भी होगा. For all A belongs to A, clear है? अब A कोमा A, देखिए ये वाला step कहाँ से आया है? A कोमा A, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि जो A कोमा B है, ये किसको belong करता है? Relation को. तो B minus B कोमा A किसको belong करेगा? R inverse को. बेटे उल्टा हो जाएगा ना, A कोमा B है तो इसका जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड हो जाएगा. तो मैंने ऐसा ही किया है क्योंकि यहां पर ए ये वर्ड है ना, इसलिए ये वाला ए यहां रखा है और ये वाला ए यहां रखा है. इट बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो दैट्स व्हाई ए ए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, देयरफॉर आर इनवर्स इज ए रिफ्लेक्सिव. क्लियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव कंडीशन आपको पता होना चाहिए. ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए. नाउ बात करते हैं सिमेट्रिक की. एक रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, देन बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स. सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा, देखिए सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन दिस इंप्लाइज दैट बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर. ये मेरी सिमेट्रिक की कोई भी कंडीशन होती है, मुझे प्रूव करनी है यहां पर इनवर्स के साथ, तो मैं इनवर्स लगा दूंगा. तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू ए इनवर्स, ये मेरे को प्रूव करना है. चलिए अब मैं इसको कंसीडर करता हूं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, मैंने इसको कंसीडर कर लिया,
बोर्ड की तरफ ध्यान दे, ये सभी a कोमा b बिलोंग्स टू r इनवर्स है, तो b कोमा a तो बिलोंग करेगा किसको, r को, भाई ये तो r इनवर्स को बिलोंग कर रहा है ना, तो इसका उल्टा अगेन b कोमा a तो बिलोंग करेगा किसको, r को, but r is an equivalence relation, r क्या है, equivalence relation है तो उसमें एक्टिव भी होगा, तो जब b a बिलोंग्स टू r करेगा तो a भी बिलोंग्स टू r करेगा, क्या करेगा, a भी बिलोंग्स टू r, तो a भी बिलोंग्स टू r करेगा, तो इसका उल्टा यानी b a बिलोंग्स करेगा किसको, r इनवर्स को, हेंस r इनवर्स इज सिमेट्रिक। बहुत ध्यान से सुनना बेटे, बहुत ध्यान से सुनना है, दोबारा फिर समझ लें, a b बिलोंग्स टू r इनवर्स, देन b a बिलोंग्स टू r इनवर्स, वेयर a कोमा b बिलोंग्स टू a, जितने भी a होंगे सारे सेट a को बिलोंग करेंगे, सिंस a कोमा b बिलोंग्स टू r इनवर्स, तो b a किसको बिलोंग करेगा, r को, but r is an equivalence relation, r is symmetric, therefore a comma b belongs to r, b a belongs to r inverse, hence r inverse is a symmetric। हाँ बेटे क्लियर है क्या, आपको नहीं आया समझ, बेटे ऐसा है, मैंने आपको पहले बोला था, क्या नाम आपका, रौनक है ना, हाँ मैंने बोला था कि अब जिस ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन आपको देखना बहुत जरूरी है, इंट्रोडक्शन बिना ये समझ में नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये तो बात बहुत जरूरी है, बेसिक इंट्रोडक्शन किस लिए मैंने बनवाई थी, किस लिए करवाई थी इंट्रोडक्शन, ताकि वो मजबूत हो जाए, वही मजबूत नहीं होगी तो आपसे क्वेश्चन निकलने मुश्किल है, ठीक है, तो पहले आप उसको मजबूत करें, और बच्चों क्लियर है भाई, ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग 10 मिनट ट्रांजिटिव, अब मैं बात कर रहा हूं ट्रांजिटिव रिलेशन की, If a comma b belongs to R inverse and b comma c belongs to R inverse, then a comma c belongs to R inverse. Transitive relation की condition होती थी a comma b belongs to R, b comma c belongs to R. This implies that a comma c also belongs to R. तो यहाँ पर हम check कर रहे हैं, मैंने consider कर लिया a comma b belongs to R inverse, b comma c belongs to R inverse. तो ये R inverse को belong करेगा, ये तो b a, देखो a भी तो R inverse को belong कर रहा है, तो b a तो R को करेगा। B C कर रहा है तो C B किसको करेगा? R को। But R region क्या है? Equivalence relation। R क्या है? Equivalence। अब देखो ध्यान से। यहाँ से देखो बेटा। C comma B belongs to R, B comma A belongs to R। This implies that C comma A नहीं होगा। C comma A किसको करेगा? R को belong करेगा नहीं करेगा? तो ये तो लिखा है मैंने। C comma A belongs to R, because R is an equivalence relation। तो c comma a is belongs to r, तो r is क्या हो गया, transitive, transitive हो गया, तो c a belongs to r कर रहा है, तो a comma c तो कर सकते हैं ना, a comma c किसको belong करेगा, r inverse को, तो a comma c मेरे को चाहिए था prove करने के लिए, a comma c आ गया, तो hence r inverse is transitive, ये तो condition लिखी है मैंने, ये वाली, ये मुझे prove करनी पड़ेगी तभी तुम बता पाऊंगा कि r inverse equivalence relation है, यही तो मेरे को बतानी है कि r inverse equivalence relation है, equivalence relation के लिए मुझे a comma c belongs to r inverse दिखाना पड़ेगा, जो मैंने यहां दिखाया, r inverse is transitive। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपने देखा कि r inverse को मैंने पहले सबसे पहले reflexive prove किया है, फिर symmetric prove किया है, उसके बाद transitive prove किया है, तो जो relation reflexive भी हो, symmetric भी हो, transitive भी हो, वो relation क्या कहलाता है, equivalence relation। तो इस क्वेश्चन में यही बात दे रखी थी बेटे, r तो इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा था, आपको r इनवर्स बताना था, r इनवर्स क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स नाउ आई एम टेकिंग रिजल्ट सेकंड, सेकंड रिजल्ट क्या कहता है, If R1 and R2 be two equivalence relation, R1 और R2 दोनों equivalence relation है, पहला result जैसा ही result है जो पहले result करवाया था, पहले result में क्या करवाया था, R1 and R2 equivalence relation है, तो R equivalence relation है, तो R inverse, R inverse भी equivalence relation होगा, पहला result ये करवाया था, second result मैंने क्या बताया है, R1 and R2, R2 equivalence relation, then prove that R1 intersection R2 is an equivalence relation. अब आपको ये prove करना है कि R1 intersection R2 also an equivalence relation on set A. Set A के R1 और intersection R2 ये भी equivalence relation होना चाहिए, ठीक है? तो so students check करते हैं
इक्विवेलेंस के लिए पहले कंडीशन बता चुका हूं, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों ही होने जरूरी हैं। तीनों में से एक भी नहीं होता तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता। क्लियर? तो बात करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। अब मेरे को R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो मुझे पहले इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा। और रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है? A, A belongs to R1 इंटरसेक्शन R2, यानी R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए तभी वो रिफ्लेक्सिव को क्लियर करेगा। क्लियर है? फॉर ऑल A belongs to सेट ऑफ A। Since R1 and R2 are both equivalence relation, मेरे पास R1 R2 दोनों equivalence relation दे रखे हैं, तो दोनों equivalence relation हैं तो दोनों reflexive होंगे, होंगे sure percent sure होगी। तो A, A belongs to R1 and A, A belongs to R2 लिख सकते हैं, क्योंकि R1 तो equivalence है ना, R2 भी equivalence है, तो दोनों मिलेंगे चीजें। तो A जब दो, जब एक element दोनों sets में हो तो वो एलिमेंट दोनों में कॉमन भी होगा। तो वी कैन से A, A belongs to R1 intersection R2, और जब हो गया है तो इट मींस R1 intersection R2 इज रिफ्लेक्सिव। दोबारा फिर समझिए बेटा, आपको ये प्रूव करना है ये वाला एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो आपने देखा R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R1 भी रिफ्लेक्सिव है और R2 भी रिफ्लेक्सिव है। ये मैंने लिख दिया, R1 की कंडीशन ये लगा दी, R2 की ये कंडीशन लगा दी। तो कोई एक ऐसा एलिमेंट जो R1 को बिलोंग करता है वही R2 को भी बिलोंग करता है, इट मींस वो कॉमन को भी बिलोंग करेगा। तो वी कैन से A, A belongs to R1 intersection R2, for all A belongs to A, hence R1 intersection R2 is a reflexive। क्लियर हो गया? क्लियर है? चलिए बात करते हैं सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक भी बताना है। सिमेट्रिक करने के लिए A, B belongs to R intersection R1 intersection R2, then V, A belongs to R1 intersection R2। बेटे symmetric के लिए बता था A, B belongs to R, A, B belongs to R, this implies that B, A also belongs to R होना चाहिए, तभी आपका जो relation है वो symmetric होगा। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी condition रखी है, A, B belongs to R1 intersection R2, then B, A also belongs to R1 intersection R2, For all A, B belongs to set of A। चलिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स। मैं जो इसको लेकर के चला हूं, ये मेरे पास गिवन स्टेटमेंट होगी, यदि ये मैं लेकर चलकर अब ये मुझे प्रूव कर देता हूं तो ये सिमेट्रिक हो गया। बात क्लियर है भाई? तो A, B belongs to R1 intersection R2, तो A, B belongs to R1 होगा एंड B A, B belongs to R2 होगा। क्यों होगा भाई? देखो इंटरसेक्शन है, देखो ये मैंने कंसीडर किया, लेट किया है कि A, B belongs to R1 intersection R2, तो A, B belongs to R1 है, इंटरसेक्शन मतलब होगा एंड बेटा, ठीक है, सेट के चैप्टर में पढ़ा था 11th क्लास में, A, B belongs to R2, but R1 and R2 are both are equivalence relation on set A, दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन के हैं। तो R1 इक्विवेलेंस है तो both R1 and R2 क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे भाई, इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्शन भी था और सिमेट्रिक भी होगा। तो B सिमेट्रिक है तो A, B belongs to R1 लिखा, तो क्या मैं B, A belongs to R1 नहीं लिख सकता? A, B belongs to R2 तो B, A belongs to R2 नहीं होगा। तो एक ही एलिमेंट B, A R1 को बिलोंग कर रहा है, B, A R2 को बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट B, A बिलोंग कर रहा है किसको? R1 इंटरसेक्शन R2 को, हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज ए सिमेट्रिक। Now I am taking transitive. Transitive के लिए condition A, B belongs to R1 intersection R2, B, C belongs to R1 intersection R2. This implies that A, C belongs to R1 intersection R2. भाई transitive की condition क्या पड़ी थी? A, B belongs to R, B, C belongs to R. This implies that A, C also belongs to R. Right? तो अब हम check करते हैं। ये मैंने गिवन मान लिया, A, B, A, जो B है वो बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को, और B, C भी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को, इन दोनों का यूज करके मैं इसको प्रूव कर देता हूं तो इसमें से ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो A, B बिलोंग्स किसको करेगा? R1 को, इंटरसेक्शन मतलब एंड, A, B बिलोंग्स टू R2। लक्ष्य क्लियर है भाई? तो A, तो दिस इंप्लाइज दैट B, C also एक, देखो A, B मैंने सॉल्व किया, फिर मैंने क्या लिया? B, C belongs to R1 intersection R2, तो B, C belong R1 को भी करेगा एंड B, C belong R2 को भी करेगा।
ये बात समझ लो ध्यान से। तो अब दोनों में बिकॉज बट आर वन एंड आर टू आर इक्विवेलेंस रिलेशन, R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, दो ट्रांजिटिव होगा सभी केसों में, पहले में सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन होगा, दूसरे में सिमेट्रिक, तीसरे में ट्रांजिटिव। तो इस जब ये R1, देखिए भाई A, B belongs to R1, B, C belongs to R1, तो this implies that A, C belongs to R1 नहीं होगा क्या? A, B belongs to R2, B, C belongs to R2, this implies that A, C belongs to R2 भी होगा। A, C belongs to R1, A, C belongs to R2, this implies that A, C belongs to R1 intersection में R2, therefore this is transitive। तो एक मेरा रिलेशन R1 intersection R2, मैंने रिफ्लेक्शन किया, सिमेट्रिक किया और ट्रांजिटिव किया, तो this show that R1 intersection R2 is an equivalence relation। Pause the video and note down। Now I am taking result third. If R1 and R2 are two equivalence relation, R1 और R2 दोनों हैं equivalence relation है, R1 अलग से equivalence है, R2 अलग से equivalence की सारी conditions उसके पास हैं, यानी symmetric भी, reflexive भी और transitive भी है। तो उन set के then R1 union R2, अभी पिछले question में intersection किया था ना अपने, अब यहाँ पर है R1 union R2 need not be an equivalence relation on set A। मतलब क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा बेटा रिजल्ट 2 में कि इफ R1 एंड R2 आर बोथ, इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन देन R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, आपने प्रूव किया। अब क्वेश्चन में क्या है, इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन बट दे नीड नॉट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन R1 यूनियन R2, उन दोनों का यूनियन जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही हो, ठीक है, वो प्रूव करना है। जब ऐसी सिचुएशन हो, जब नोट वाली कंडीशन हो, तो आप कोई भी एग्जांपल लेकर के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल ही लिया है सेट, लाइक ए एग्जांपल ले लिया, ए सेट 1, 2, 3, तो मैंने ए क्रॉस ए निकाल लिया, ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं, कोई पढ़ रखा है ना ए क्रॉस ए, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, तो मैंने R1 रिलेशन लिख लिया अपनी तरफ से, R2 इक्विवेलेंस रिलेशन लिख लिया, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस देखो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, इट मींस रिफ्लेक्सिव भी है ना, 1, 2 है, 2, 1 भी है, इट मींस सिमेट्रिक भी हो गया, बाकी ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सिमिलरली ये भी मेरा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैंने इन दोनों का यूनियन निकाल लिया, R1 यूनियन टू R2। यूनियन में क्या होता है, all elements of R1 and all elements of R2, but common elements taken only once। जो देखिए 1, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1, 2, 2 है, 3, 3 है, 1, 2 है, तो 1, 2 लिख दिया, 2, 1 लिख दिया, 1, 3 लिख दिया और 3, 1 लिख दिया। यूनियन में तो सभी लिखते हैं ना, लेकिन कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखे जाते हैं। ये मेरा R1 यूनियन R2 हो गया। अब मेरे को ये बताना था कि ये जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तो चेक करें क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव R1 यूनियन R2, आप ये बताएंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ है, क्योंकि 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, और A सेट के अंदर एलिमेंट क्या, 1, 2, 3, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। बात करते हैं सिमेट्रिक की, बात करते हैं सिमेट्रिक की, क्या ये सिमेट्रिक है भाई, 1, 2 है तो 2, 1 भी है, 1, 3 है तो 3, 1 भी है, तो इट मींस ये सिमेट्रिक भी है, हैं? बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव में क्या होगा बेटे, जैसे 3, 3 ले लिया तो 3, 1 है, 1, 1 ले लिया, 1, 1 है तो 1, 2 भी है, तो 1, 2 भी होगा, 2, 2 है तो 2, 1 भी है, तो 2, 1 भी होगा, 3, 3 है तो 3, 1 भी है, तो 3, 1 भी होगा, 1, 2 है, 2, 1 है तो 1, 1 भी है, 2, 1 है, 2, 1 है, 2, 2 है तो 2, 2 भी होगा, 1, 3 है तो 3, 1 है तो 1, 1 भी होगा, 3, 1 है, 3, 1 है और 1, 2 भी है, 3, 1 है तो 1, 2 भी है, तो 3, 2 है क्या इसमें, 3, 2 नहीं है,
हर एक एलिमेंट चेक करना होता ना, तो 3.2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर वन यूनियन आर टू। तो बेटा एक ऐसा एलिमेंट बच गया जो ट्रांजिटिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, तो सो वी कैन से हेंस आर वन यूनियन आर टू इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? पॉज बाय वीडियो एंड नोट डाउन। रिजल्ट 3 करवाया है मैंने आप आज आपको, रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3, ये आपको फिर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।